फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आज मैं आप लोगों को दम अरबी की सब्ज़ी बना के दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही डिलीशियस है और इसमें मैंने दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ किया है। तो चलिए फिर देखते हैं। दम अरबी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अरबी लिया है। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट तक बॉईल कर दूँगी। देखिए, मैंने बॉईल कर दिया है, छिलका निकल दिया है इसका, और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया। ये देखिए, मैंने इन सबको ऐसे पीसेस में कट कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून सॉल्ट, 1 स्पून चिकन मसाला, 1 स्पून गरम मसाला। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, जैसे कि अरबी के ऊपर एक कोट बन जाए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है। अब हम इसको अच्छे से गर्म करके इसका धुआं निकाल लेंगे। अब हमने जो कोट करके रखा था अरबी, इसको इसमें फ्राई कर देंगे। अब देख सकते हैं, ऐसे इसको अच्छे से फ्राई कर देंगे। ये देखिए, मैंने फ्राई करके निकाल दिया है। मसाला बनाने के लिए मैंने 2 बड़े अनियन का पेस्ट लिया है, 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 2 चिली को, ग्रीन चिली को मैंने चॉप करके रखा था, और यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमेटो को रफली चॉप करके रखा है, और यहाँ पे मैंने 2 स्पून पीनट्स का पाउडर लिया है एंड अदर स्पाइसेस। ये देखिए, मैंने सेम ऑयल ले लिया है, आप दूसरा ऑयल भी ले सकते हैं, और इसको गर्म कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 स्पून जीरा। जीरा होने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी, हमने जो ऑनियन का पेस्ट बनाया था उसको ऐड कर देंगे, और इसको थोड़ा अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा फ्राई होने के बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो रखा था हमने 1 स्पून, उसको ऐड कर देंगे, और उसको थोड़ा अच्छे से फ्राई कर देंगे, जैसे कि जिंजर गार्लिक का जो स्मेल है वो चला जाए। ये देखिए, मैंने इसमें ग्रीन चिली को भी ऐड कर दिया था। मसाला जो जिंजर गार्लिक पेस्ट और अनियन पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉप्ड टमेटो। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 स्पून हल्दी पाउडर, सॉल्ट टेस्ट के अनुसार, 1 स्पून धनिया पाउडर एंड 1 स्पून चिकन मसाला। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करके 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो ये लग जाएंगे कढ़ाई में। ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके पका लूँगी। आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा पानी ऐड करके पकाया था, कितना सुंदर पक गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 स्पून चिली पाउडर। आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसमें ग्रीन चिली डाला था, इसीलिए मैं इसमें 1 स्पून इसमें थोड़ा सा कम दे रही हूँ। 1/2 स्पून चिली पाउडर मैंने डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर देंगे जो पीनट पाउडर बना के हमने रखा था, ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, ये इसका स्वाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इसको मिक्स कर देंगे मसाले में और अच्छे से थोड़ा 1 मिनट तक ऐसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से मिक्स करके। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/4 कप दही, और इसको अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं मसाला का कलर कितना सुंदर आ गया है। ये जो पीनट पाउडर है, दही है, मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, ये रेसिपी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और अब हम इसको ढक के 1 से 2 मिनट्स तक फिर से पका लेंगे। ये देखिए, मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 ग्लास ऑफ वाटर। आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, मैंने 1 ग्लास यूज किया क्योंकि हमें अरबी को फिर से इस मसाले में पकाना है। ये देखिए, जो पानी उबल गया है, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अरबी को जो हमने फ्राई करके रखा था, और इसको अपने स्टाइल में दम मारेंगे। दम मारेंगे मतलब क्या है, इसको ढक के लो फ्लेम में 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, जैसे कि सारे फ्लेवर्स जो है मसाले के पूरा अरबी के अंदर आ जाए, तो इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम ढक के इसको 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे। ये देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है अरबी का। यह मेरी जो दम अरबी की सब्ज़ी है बनके रेडी है, और इसका ग्रेवी भी कम हो गया है, बहुत सुंदर दिख रहा है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कोरिएंडर लीव्स को, और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें, और फ्लेम को बंद कर देंगे। अब ये दम अरबी की सब्ज़ी बनके रेडी है, रसलीदार सब्ज़ी। हम इसको रोटी, पराठा या मेनली राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसको सर्व करते हैं। ये देखिए, मैंने दम अरबी की सब्ज़ी को प्लेट में सर्व कर दिया है। ये कितना सुंदर दिख रहा है, और खाने में भी बहुत ही डिलीशियस है। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।